हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना वीडियो नेचर के बीच में रह के शूट करूं। इस नेचुरल चीज़ें कितनी सही होती है ना, इनकी स्मेल कितना सही चीज़ें होती है, और बेनिफिट्स हज़ार और साइड इफ़ेक्ट्स कुछ भी नहीं। ये आपको पता है, ये गुड़हल का फूल है और ये गुड़हल का पेड़ है जिसको हम हिबिस्कस भी बोलते हैं, और वो हमारे हेयर्स के लिए कितना सही होता है। हमारे पास में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें बहुत सारे बेनिफिट्स देती है। द थिंग इज वी डोंट नो अबाउट दैट। सो टुडे एज यू हैव रेड द डिस्क्रिप्शन अबाउट माई वीडियो, इट्स अबाउट हेयर केयर। आई एम प्रिपेयरिंग वन हेयर ऑयल जो हमें इतने सारे बेनिफिट देगा ना, और उसकी कॉस्ट बहुत कम, इसलिए कुछ भी नहीं है। जो भी चीज़ें हमारे आसपास होती है हम वही यूज़ कर रहे हैं, और अगर आपके आसपास नहीं है तो हम उसे कुछ चीज़ें हम उसको ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, ठीक है। सो आई टेल यू द इंग्रेडिएंट्स। उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, जिससे आपका भी बेनिफिट हो और उनका भी बेनिफिट हो, उसमें क्या बुराई है। सो विल स्टार्ट द वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखते हैं हम लोग इस ऑयल के लिए क्या क्या यूज़ करेंगे। गुड़हल के फूल, मेरे पास यहाँ पे कुछ फ्रेश फूल्स भी हैं और कुछ ड्राई भी हैं। अगर आपको आपके पास में ये फ्लावर्स आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप ऑनलाइन में मंगा सकते हैं। इसका पाउडर, इवन ड्राई फ्लावर्स हमारे अमेजोन पे भी अवेलेबल है, इवन नायका पे भी है। ये हमने लिया है राई, प्याज, ये हमने लिया है एलोवेरा फ्रेश, ये मेथी दाना, ये हमने लिया है कड़ी पत्ता, सरसों का तेल। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप पूरा तेल नारियल तेल में बनाना चाहें तो आप अपना पूरा तेल नारियल तेल में ही बना सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। और ये हमने और मैं यूज़ कर रही हूँ पैराशूट का कोकोनट ऑयल। सो विल स्टार्ट द रेमेडी। हम लेंगे आयरन की कढ़ाई, मैं आपको रिकमेंड करूँगी आयरन की कढ़ाई। उसमें हम सबसे पहले ऑयल डालेंगे, हम इसमें ऐड करेंगे हमारा सरसों का तेल, इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। हमारा तेल गर्म हो चुका है, पहले हम इसमें राई डालेंगे और साथ में हम इसके साथ में ही हम मेथी दाना डाल देंगे। थोड़ी देर पहले इन्हें दोनों को फ्राई करेंगे, पत्ता ऐड करेंगे, प्याज, और साथ में ही सारे फ्लावर्स। हमें गैस ज्यादा तेज भी नहीं रखनी है, हमें ये कुछ भी जलाना नहीं है। और हम दो तीन मिनट बाद जो हमने एलोवेरा पीसेस काट के रखे थे वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। गैस बिल्कुल मीडियम पे रहेगी, स्लो से मीडियम पे, हाई फ्लेम नहीं करना है वरना ये सब जल जाएगा। हमें इनमें से कुछ भी जलाना नहीं है, बस हमें चाहते हैं कि जो भी इसके इसके अंदर इसके बेनिफिट्स हैं, प्याज के, एलोवेरा के, हमारे फ्लावर के, सबके जो भी इसके गुण हैं वो उसमें आ जाए, तो हमें कुछ भी जलाना नहीं है। और इसको हम 10 मिनट तक हम इसको चलाएंगे, जरूरी नहीं चलाते रहना, बस स्लो पे रखेंगे तो ही काफी है। वन मोर थिंग, अगर आपके बालों में इचिंग रहती है तो उसमें आप नीम के पत्ते भी डाल सकते हैं, वो इचिंग के लिए बहुत ही फायदेमंद है। हमें इस तेल को वॉश करने से मैं रिकमेंड करूंगी आप एक रात को पहले लगा लीजिए, और अगर आप एक रात पहले नहीं लगा सकते, बहुत सारों की ऑयली स्किन होती है जिससे उनके चेहरे पे पिंपल्स आ जाते हैं, वो लोग अपने शैम्पू से पहले से 2 से 3 घंटे से पहले लगा सकते हैं। अच्छे से चंपी करिए, उसके बाद अपने जो भी शैम्पू आप यूज़ करते हैं आप उससे अपने बाल धो लीजिए। इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, अगर आप ये हफ्ते में 2 बार करेंगे तो बहुत आपको रिजल्ट, आपको एक्चुअली अपने फर्स्ट वॉश में आपको अपना रिजल्ट दिख जाएगा। इससे आपके बाल बिल्कुल सिल्की स्मूथ हो जाएंगे
और अगर आप धीरे धीरे इन बालों को करेंगे तो आपके बाल बिल्कुल उसमें से जितना भी हेयर फॉल होगा वो बंद हो जाएगा, ग्रेइंग जो बहुत लोग के बाद ग्रे हो जाते हैं वो भी धीरे धीरे कम हो जाएंगे। इस ऑयल को आप आराम से आप इस ऑयल को 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं, इसमें कुछ भी खराब होने वाली चीज़ें नहीं है। और एक और चीज़, अगर आप चाहें, मैं क्या करती हूँ, इसको ठंडा करने के बाद इसमें कुछ विटामिन ई के कैप्सूल डाल देती हूँ, जिससे वो अच्छे से प्रिजर्व रह सकता है और काफ़ी लंबे 1 महीने तक आराम से चल सकता है। और विटामिन ई में वैसे हमारे हेयर्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है, तो आप विटामिन ई के कैप्सूल भी इसमें डाल दें। 3 मिनट्स हो चुके हैं और हमारा ऑयल बिल्कुल रेडी है। हम गैस ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे। ऑयल बिल्कुल ठंडा हो चुका है, अब हम क्या करेंगे, जितना भी जू अच्छे से उसको मिला देंगे। हमने ऑयल को आराम, मैंने 30 मिनट्स तक उसको ठंडा किया, आराम से उसमें से जितना भी है उसको अच्छे से आप मिला लीजिए और हम उसको छान लेंगे। बिल्कुल ठंडा है ये हमारा, इधर की हेल्प से पूरा अच्छे से उसको जितना भी उसका जूस है उसमें डाल के अच्छे से छान लूंगी। मैंने पूरा ऑयल जो पैराशूट का पैक था मैंने उसमें ही स्टोर कर लिया। आप भी इसको ऐसे स्टोर कर सकते हैं या फिर किसी भी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। हम लोग का ऑयल रेडी है। एज यू हैव सीन द रेमेडी इज़ वेरी सिंपल एंड इट इज़ वेरी इफेक्टिव। जिनके भी ग्रे हेयर्स हैं और जिनके भी बालों में शाइन नहीं है, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है, जस्ट ट्राई दिस हेयर ऑयल वंस, जस्ट ट्राई इट, क्योंकि मैंने पर्सनली यूज़ किया है और इसका रिजल्ट अमेजिंग है, मतलब बहुत सही है। अगर आपके पास बहुत पैसा है देन यू कैन आराम से यू कैन स्पेंड लाइक 3,000-2,000 रुपीज़, उसके बाद में कोई ऑयल कर रहे हो उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। पर ये वाला जो ऑयल है जिसकी कॉस्ट ज़ीरो है और लाइक उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आई होप यू लाइक माई वीडियो। सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर अभी तक नहीं किया है, लाइक इट, share with your friends and stay safe, okay, bye bye.